दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय प्रमो ज्वेलर्स एंड गिफ्ट सेंटर। मैंने भंडारा नगर परिषद के मेयर के रूप में कार्य करते हुए 5 वर्षों के दौरान विकास कार्य प्रशस्त करने का प्रयास किया। भूमिगत सीवरेज योजना ऐसा ही एक सपना था। आज का भूमि पूजन स्वप्न पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांसद सुनील मेंढे ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भंडारा शहर और जिले के विकास के मामले में आप हमारे साथ मजबूती से पीछे रहेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज भंडारा जिले में भूमि पूजन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे। इस बार उनकी जनसभा भंडारा में आयोजित की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोसी खुर्द परियोजना का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सांसद सुनील मेंढे मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। इस बीच सांसद सुनील मेंढे ने एक जनसभा में बोलते हुए मेयर के रूप में 5 साल लोगों द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकास की दिशा तय कर योजना को अंजाम दिया था। भूमिगत सीवर योजना ऐसा ही एक प्रयास था। इसका उद्घाटन किया जा रहा है। यह क्षण बहुत खुशी की बात है। हम निर्णय लेने में तेज और विकास की दृष्टि वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि इस वक्त जिले और शहर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस क्षेत्र के सांसद के रूप में हमें आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। भंडारा शहर में विशाल नगर परिषद भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ का फंड मंजूर करें। भंडारा शहर के पास वैनगंगा के तटों के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ का फंड दिया जाए। आधुनिक करण के लिए फंड दिया जाए। शहर में अग्निशमक व्यवस्था, सकोली नगर परिषद के प्रशासनिक भवन के लिए राशि और जलापूर्ति योजना को मंजूरी देने का निर्णय इस अवसर पर सांसद सुनील मेंढे ने मुख्यमंत्री से गोंदिया के पंगोली नदी के पुनरुद्धार के लिए 100 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। गोंदिया जिले में नदी और जिले में जल क्रांति की दिशा में एक कदम उठाने के लिए सहयोग करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इन बातों का जिक्र किया और कहा कि वह किसी भी काम के लिए पैसों की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, यह सरकार जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन के माध्यम से विकास के मुद्दे पर भी सकारात्मक राय व्यक्त की। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक आशीष जसवाल, डॉक्टर परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, विजय रहांगडाले, किशोर जोरगेवार, शिशुपाल पाटले, प्रदीप पडोले, चैतन्य उमालकर और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विकास आजपर्यंत कोणी इतिहासामध्ये करू शकले नाही, पण नवीन इतिहास आता आपण घडवायचा आहे असा सकारात्मक राजकारण आपल्याला आता करायचं आहे। आणि सकारात्मक राजकारण करण्यासाठी सकारात्मक विचाराची गरज असते। आमच्याकडे सकारात्मक मुख्यमंत्री आहे। आजपर्यंत तुम्ही जर बघा, त्यांच्या याच्यामध्ये कधीच कोणावरती तरी टीका टिप्पणी केली नाही। अरे, टीका टिप्पणी करायची गरज पण नाही, कारण तुमच्यामध्ये जर काम करण्याची क्षमता असेल तर तुम्ही कामांना उत्तर देऊ शकता, कोणावरती टीका टिप्पणी करून उत्तर देऊ शकत नाही। आजकाल छोटे छोटे नवीन नवीन राजकारणामध्ये येतात आणि राष्ट्रीय स्तरावरती टीका टिप्पणी करतात। मला तर कधी कधी वाटते की मी फार आधी 4-5 वर्षाआधी एक व्हिडिओ पाहिला होता, एक दिल्लीचा पप्पू आलू टाका आणि सोन्याची काळा, आठवते का तुम्हाला? दिल्लीच्या पप्पूचा असा एक व्हिडिओ होता का, एक आलू इधर से डालो न उधर से सोने निकालो। असाच पद्धतीचा आता आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा विविध प्रकारचे लोक सुरू झालेले आहेत आणि टीका टिप्पणी करू लागलेत। म्हणून मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो, आपल्याला नकारात्मक राजकारण करायचं नाही आहे, टीका टिप्पणी करायचं नाही आहे। आपल्याला आता वेळ घालवायची आहे तर तो सकारात्मक आणि विकासात्मक करायचा आहे। आपल्याला आपला भंडारा विकासात्मक न्यायचा आहे। खरं तर जेव्हा साहेब नगर विकास मंत्री होते तेव्हाच मी त्यांना एक प्रस्ताव ठेवला होता की साहेब, आमच्या भंडाराच्या इतिहासामध्ये 75 वर्षापासून सगळ्यांची इच्छा होती की भंडारा शहरामध्ये ट्रेन यावी। आपली ब्रॉडगेज मेट्रो भंडारा रोडपर्यंत आहे की भंडारा शहरापर्यंत यावं, असं सगळ्या लोक आमचे काही व्यापार आता लोकांनी काही लोकांनी सत्कार केला। महाराष्ट्र TV24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। आपल्या सौंदर्यात भर पाडण्याकरिता प्रमो ज्वेलर्स घेऊन आलायत आकर्षक दागिन्यांचे भव्य दिव्य कलेक्शन। चला तर मग तयार होऊयात प्रमो ज्वेलर्सच्या दागिन्यांनी नटायला। आमच्याकडे आहे सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचे आकर्षक कलेक्शन, जिथे तुम्हाला मिळेल कर्णफुले, पाटल्या, मंगळसूत्र, राणीहार, वेडिंग रिंग आणि असंख्य व्हेरायटीजचा भांडार। तर आजच आपल्या आनंदी क्षणांना सुवर्णमयी बनवण्यासाठी आमच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता प्रमो ज्वेलर्स अँड गिफ्ट सेंटर,
पारधी नगर, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर।